आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में कहा गया हमसे कि ब्रिंजल और पोटैटो सेम जीनस के अंदर आते हैं, जिसको हम सोलानम बोलते हैं, पर ये दो अलग अलग स्पीशीज हैं, तो इन्हें हम दो अलग अलग स्पीशीज क्यों मानते हैं? तो हम जानते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से हमने हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम रखा हुआ है, और इस तरह की नेमिंग में हर ऑर्गेनिज्म के पास एक यूनिक यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड नाम होता है, जिसमें उसकी जीनस और स्पीशीज का हम नाम लेते हैं। उसी तरह से पोटैटो का जब हम बोलते हैं तो सोलानम उसका जीनस हो गया और ट्यूबरोसम हो गई उसकी स्पीशीज। लेकिन क्योंकि जो जीनस होता है वो स्पीशीज से ऊपर का हायर टैक्सोन है, इसीलिए एक जीनस के अंदर कई सारी स्पीशीज प्रेजेंट हो सकती हैं। जैसे कि सोलानम के जीनस के अंदर हम देखते हैं कि ट्यूबरोसम जो स्पीशीज होती है वो हमारा पोटैटो होता है, और ब्रिंजल के लिए हमारा जीनस का नाम तो सेम रहेगा लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट या जो स्पीशीज का नाम है वो मेलनजिना हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम क्लासिफिकेशन में हायर जाते हैं तो जो सिमिलर जीनस होते हैं उन्हें प्लेस किया जाता है एक साथ एक फैमिली में, सिमिलर फैमिलीज को ऑर्डर में, और सो ऑन। इसी तरह से एनिमल किंगडम में अगर हम एग्जांपल लें, पैंथरा हमारे पास ऐसा जीनस है जिसमें लियो और टिग्रिस ये दोनों स्पीशीज होती हैं हमारे पास, तो पैंथरा लियो से हम समझते हैं लायन, और उसी जीनस का हमारे पास दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है, हम पैंथरा टिग्रिस अगर कहते हैं तो हम समझते हैं टाइगर। सेम जीनस में होने के बावजूद, मतलब क्लोजली रिलेटेड होने के बावजूद, हम इन्हें सेपरेट स्पीशीज क्यों मानते हैं? स्पीशीज की डेफिनेशन ये होती है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब एक स्पीशीज के अंदर उसी स्पीशीज के साथ हम रिप्रोडक्शन देखेंगे। और दूसरी बात की जो स्पीशीज होती हैं, एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के अंदर काफी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होती हैं जिसके बेसिस पे हमने उन्हें सेम स्पीशीज के अंदर डाला हुआ है, तो इसीलिए सेम जीनस में प्रेजेंट होने के बाद भी हम इन्हें सेपरेट स्पीशीज कहते हैं, क्योंकि पहली बात इनमें मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलैरिटीज हैं जो हम साफ साफ देख सकते हैं, और इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते उन्हें हम सेम स्पीशीज में नहीं रखते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।